हेलो साथियों, मैं साकेत कुमार अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद साकेत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं क्योंकि एक नई गुड न्यूज़ आई है। जो भी हमारे भाई लोग हैं जो बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, उनका मेहनत का फल आज आया है। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आप लोग को बताते हैं कि आज बिहार पुलिस 8415 जो रिक्त पद का वैकेंसी दिया गया था, आज उसका फाइनल रिजल्ट आया है। जो भी भाई इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिनका भी चुनाव इसमें हुआ है, अंतिम परिणाम आज आया है, तो उनको ढेर सारी बधाई क्योंकि उनके मेहनत का फल आज आया है। तो एक अजीब सा सुकून मिलता है कि जब हम कोई काम करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव वे में हमारे पास आता है। जिन भाई का नहीं हुआ है, आगे भी भर्ती आएगी, तो आप चिंता ना करें, बस एक सीरियली वे में लगे हुए रहें, छोड़ने का कोशिश ना करें, क्योंकि जो लगा है वही सफल होगा, जो नहीं लगा है वो सफलता क्यों उसके पास आएगा। तो इसमें जो है ये बाकी नीचे लिस्ट दिया गया है जिनका हुआ है, इन सभी को ढेर सारी बधाई। जहाँ तक बात करें कट ऑफ की, तो जनरल से जो जनरल कैटेगरी होती है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, 3072 कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट हुए हैं। जिसमें मेल कैंडिडेट जितने भी ओपन कैटेगरी से आए हैं उनका 76 कट ऑफ गया है, फीमेल कैंडिडेट का 74 गया है। EWS की बात करें तो उसमें 817 टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट का 68 कट ऑफ गया है और फीमेल कैंडिडेट का 62 गया है। SC कैंडिडेट की बात करें तो 1307 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 68 कट ऑफ जो है वो मेल का गया है और 46 कट ऑफ जो है वो फीमेल का गया है। ST की कैटेगरी की बात करें तो उसमें 82 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है 60 गया है और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 50 गया है। EBC की बात करें तो EBC में 1470 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 72 गया है और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 60 गया है। BC कैटेगरी की बात करें तो 980 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 72 गया है और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 68 गया है। एक BC वोमेन है तो उनका जो है 245 लोग सेलेक्ट उसमें हुए हैं, उनका कट ऑफ जो है वो 64 गया है। तो अगर हम मान के चलें कि जनरल EWS इनमें मेल और फीमेल में ज़्यादा का अंतर नहीं है, जो ओपन कैटेगरी है उसमें 2 नंबर का अंतर है इनके मेरिट में, और EWS कैटेगरी में जो है ना वो 6 नंबर का अंतर है, थोड़ा सा बाकियों में अंतर है, जैसे SC जो कैटेगरी है उसमें 22 नंबर का अंतर है, फिर आपको जो है ST कैटेगरी हो गई उसमें 10 नंबर का अंतर है, EBC कैटेगरी हो गई उसमें 12 नंबर का अंतर है, BC जो कैटेगरी हो गई उसमें भी जो है ज़्यादा का अंतर नहीं है, 4 नंबर का अंतर है। तो मान के चलें जिनका हो गया उनके लिए बहुत बेहतर बात है, और जिनका नहीं हुआ वो अपनी कोशिश जारी रखें। ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ एक बार में ही आपको सफलता मिले, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सफलता ना मिले। तो घबराएं नहीं, अपने मेहनत पर विश्वास रखें और एक सीरियली वे में अपनी तैयारी लगातार रखें। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से एक बार, जिनका भी सिलेक्शन इस बिहार पुलिस की इस भर्ती में 8415 जो रिक्त पद थे उसमें जिसका भी सिलेक्शन हुआ, उन सभी को ढेर सारी बधाई और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पर, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, मेरे जॉब के रिलेटेड भी है। अपना कोई सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। अगर हमारे जिसमें हम जॉब कर रहे हैं SSF में, अगर उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें।
मेरा वीडियो देखें क्या है नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को अपने जीवन में, जो आपको नया पथ मिला है उस पर आगे बढ़िए और एक बेहतर भविष्य अपना आगे कायम करिए। चलिए धन्यवाद।